गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि हम सैटिन स्टिच कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सैटिन स्टिच के सारे वेरिएशंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर प्लीज कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, प्लीज गाइस वो टॉपिक कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम सैटिन स्टिच से ये लीफ को कैसे फिल कर सकते हैं हम सीखेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए मैंने 3 स्ट्रैंड्स थ्रेड नीडल में ले लिया है। इसे हम पार्टीशंस करके स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पहले इसके 3 पार्ट कर दिए। अब हम इसमें से एक एक को फिल करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सैटिन स्टिच की हेल्प से एक लीफ को फिल कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम सैटिन स्टिच की ही हेल्प से एक और तरह से लीफ बनाना सीखेंगे। इस तरह से मैं आपको कई तरीके से सिर्फ सैटिन स्टिच की हेल्प से लीफ बनाना सिखाऊंगी। इसे स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम सेम पार्टीशंस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए भी मैंने 3 स्ट्रैंड्स थ्रेड ले लिया है नीडल में। फ्रेंड्स, अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सैटिन स्टिच से तीसरे तरह से लीफ फिल करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 6 स्ट्रैंड्स थ्रेड ले लिया है नीडल में। इसे मैं सेंटर से 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स पहले हम एक तरफ की फिलिंग करेंगे, फिर दूसरे तरफ की फिलिंग करेंगे। इसमें हमें शेप के बिल्कुल साथ साथ चलते जाना है स्टिच लेते हुए।
इस तरह से फ्रेंड्स हमारी हाफ लीव कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरह से हम बाकी की लीव को भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे पैडेड सैटन स्टिच। पैडेड सैटन स्टिच करने के लिए हमने सबसे पहले आउटलाइन पे स्प्लिट स्टिच कर लिया। फ्रेंड्स अगर आप स्प्लिट स्टिच सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देती हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पैडेड सैटन स्टिच करने के लिए मैंने 6 स्ट्रेंस थ्रेड नीडल में ले लिया है, सेम कलर है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस पूरे को सैटन स्टिच से फिल करना है, लेकिन हमें ये इस आउटलाइन के बाहर करना है। सारे स्टिचेस आउटलाइन के बाहर से लिए जाएंगे। फ्रेंड्स एक बार जब हमने इसे पूरा सैटन स्टिच से कवर कर लिया, इसके बाद हम इस पर पैडेड सैटन स्टिच करना शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने सेम कलर का थ्रेड 6 स्ट्रेंस ले लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें मैं स्लांटिंग सैटन स्टिच करूंगी। जो तिरछा होता है इस तरह से, ये मैंने हाफ में किया है। पहले मैं इसमें एक हाफ इसे कंप्लीट करूंगी, फिर दूसरा हाफ। फ्रेंड्स अब हम यहां पर सीखेंगे कि हम एनक्रोचिंग सैटन स्टिच कैसे कर सकते हैं। एनक्रोचिंग सैटन स्टिच का यूज आप किसी भी मोटिफ की फिलिंग के लिए कर सकते हैं। इस तरह की फिलिंग के लिए आप शेडेड कलर्स का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 3 शेड्स ग्रीन के ही यूज करके दिखाऊंगी स्टिच में। सबसे पहले हम एक लाइन सैटन स्टिच की कर लेंगे। सैटन स्टिच करने के लिए मैं पहले इसे पोर्शन में डिवाइड कर रही हूं। फ्रेंड्स अब एक रो सैटन स्टिच की एक कलर से करने के बाद मैंने दूसरा कलर का शेड लिया जो इससे थोड़ा लाइट है। अब ये भी 6 स्ट्रेंस ही है। सेकंड रो करने के लिए हमें पहले वाली रो के 2 स्टिचेस, जो इसके ऊपर 2 स्टिचेस हैं, उनके बीच में लेकर जाना है थ्रेड को। फ्रेंड्स जब हमने ये 2 रोज पूरी कर ली है तो इसके बाद मैंने तीसरा शेड ले लिया है जो सबसे ज्यादा लाइट कलर का शेड है। इसे भी फ्रेंड्स हम सेम तरह से जैसे हमने दूसरी रो की है, पहले वाले 2 स्टिचेस के बीच में से स्टिच को लेना है, सेम वे हम इसे भी करेंगे। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट सैटन स्टिच। इस स्टिच को हम शेडिंग के लिए भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखिए मैंने 3 स्ट्रेंस थ्रेड लिया है, इसे मैं आपको 3 शेड से करना सिखाऊंगी। इसमें पहले हम पहला स्टिच लेते हैं लॉन्ग, देखिए मैंने स्टार्ट किया हुआ, ये मैंने लॉन्ग लिया है। अब मैं शॉर्ट स्टिच लूंगी जिसकी लेंथ आप इसका हाफ भी ले सकते हैं, फिर लॉन्ग लेंगे, फिर शॉर्ट लेंगे, फ्रेंड्स इसी तरह से मैं एक रो कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसमें सेकंड थ्रेड ऐड कर रही हूँ।
आप देख पा रहे होंगे ये सारे हमने ऑल्टरनेटिवली एक लॉन्ग स्टिच लिया, एक शॉर्ट स्टिच लिया। अब जब हम ये सेकेंड स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम सारे ही लॉन्ग स्टिचेस लेंगे। ये थ्रेड भी 3 स्ट्रैंड्स है। फ्रेंड्स हमने देखिए सबसे पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच किया, फिर हमने ये सारे लॉन्ग स्टिचेस लिए। अब हमने जो थर्ड कलर लिया है इसे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस करके इस शेप को फिल करेंगे। मैंने पहला स्टिच शॉर्ट लिया, फिर लॉन्ग लिया, अब मैं शॉर्ट स्टिच लूंगी। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।